हजारों फुट ऊंचे पहाड़ या फिर हजारों फुट गहरी खाइयां, न पेड़ पौधे, न जानवर, न पक्षी, हड्डियों को गला देने वाली ठंड। हम बात कर रहे हैं सियाचिन की, जो 76 किलोमीटर लंबा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और हिमालय के कराकोरम रेंज में है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और सामरिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां दुश्मनों की गोलीबारी से ज्यादा मौसम की मार से सैनिकों को जूझना पड़ता है। हम यहां सियाचिन में भारतीय सेना के जवानों की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के इस सबसे ऊंचे रण क्षेत्र के हर कदम पर मौत का खतरा है। सियाचिन में अक्सर दिन में तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे और रात में -70 डिग्री तक चला जाता है। पूर्व में चीन की सीमा लगती है और पश्चिम में पाकिस्तान की। आए दिन होने वाले हिमस्खलन, मेटल बाइट, अत्यधिक ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों के साथ सांस उखाड़ने और हड्डियां गला देने वाली बर्फबारी के बीच ये हमारे अदम्य साहसी जवान ही है जो अपनी आंखों की रोशनी जाने या शरीर के अंगों को खोने की परवाह किए बिना सीमा की रक्षा करते हैं। लांस नायक हनुमन थप्पा, जो आपको याद ही होंगे, जिन्हें हिमस्खलन के 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा निकाला गया था, लेकिन बाद में वो भी जिंदगी की जंग हार गए थे। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार सियाचिन की रक्षा करते हुए 1984 से अब तक करीब 900 सैनिकों की मौत हो चुकी है और यहां हर महीने 2 सैनिक जिंदगी की जंग हार जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय फौज की करीब 150 पोस्ट है, जिनमें करीब 10,000 फौजी तैनात रहते हैं। सियाचिन में तैनाती के 3 महीने के दौरान सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता, ना ही वो दाढ़ी बना पाते हैं। हर रात अपनी चौकी के सामने से उन्हें बर्फ हटानी पड़ती है, क्योंकि बर्फ नहीं हटाई जाए तो बर्फ के दबाव से जमीन फटने का खतरा रहता है। आप खाना पीना छोड़ सकते हैं, आपको नींद ना आने की बीमारी हो सकती है, यही नहीं आपकी याददाश्त भी जा सकती है। पीने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है, हाथ में डबल दस्ताने पहनना जरूरी है ताकि चमड़ी राइफल के ट्रिगर को नहीं छुए। अगर आप खुले हाथ राइफल के ट्रिगर को छूते हैं तो यकीन मानिए सिर्फ 15 सेकंड में ही आपके शरीर का यह हिस्सा सुन्न पड़ सकता है। इस तरह की गलती भारी पड़ सकती है और ये इतना खतरनाक है कि आपको शरीर का यह हिस्सा गंवाना भी पड़ सकता है। रात में टेंट में सोते समय हर 1 घंटे में संतरी सभी जवानों को जगाता है ताकि कम ऑक्सीजन के कारण कोई मर ना जाए। पेट्रोलिंग पर जाने वाले सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं और एक रस्सी सबकी कमर में बंधी होती है। कमर में रस्सी इसलिए बंधी होती है क्योंकि बर्फ कहां धस जाए इसका पता नहीं रहता, और अगर कोई एक व्यक्ति खाई में गिरने लगे तो बाकी लोग उसे बचा सकें। हालात इस कदर खराब होते हैं कि आप यहां ठीक से बोल भी नहीं सकते। यहां टूथपेस्ट भी जमकर बर्फ बन जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि सियाचिन में रहकर ड्यूटी करना कितना मुश्किल और तकलीफ देह है। सियाचिन में बर्फीला तूफान करीब 3 सप्ताह तक रह सकता है। बेहद कम समय में यहाँ हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ सकती है। जिस समय तूफान चल रहा होता है, सैनिक बेलचा लेकर बर्फ हटाने में जुटे होते हैं। जी हाँ, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जल्दी ही चौकी इतिहास में तब्दील हो सकती है। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में भारत और पाकिस्तान की फौज पिछले 3 दशकों से आमने सामने डटी हुई है। 1984 से पहले सियाचिन में स्थिति नहीं थी, वहां किसी भी देश की फौज नहीं थी। हमारे लिए इतना सब हमारे देश के जवान झेलते हैं, फिर भी विश्व में शायद भारत ही ऐसा देश होगा जहां राष्ट्रीय सेना के प्रति अभद्र और असंयमित भाषा बोलने वाले भी मिल जाते हैं। ये जवान नौकरी नहीं, सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि चाहे इस वीडियो को लाइक या शेयर ना करें, लेकिन हमारे देश के सैनिकों का सम्मान सच्चे दिल से जरूर करें, क्योंकि वो अपनी जान हर पल खतरे में डालकर वहां तैनात रहते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे सीने में अपने तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया।